हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपके एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ कि आप ओवुलेशन डे के दिन रिलेशन बनाते हैं फिर भी कंसीव नहीं करते, इसका क्या कारण है? और ऐसा आप पिछले 3-4-6 महीने से करते आ रहे हैं, ओवुलेशन डे को ट्रैक करते हैं, डॉक्टर से आप फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं, फिर भी आप रिलेशन बनाने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो सबसे पहले आप जानिए उन कारणों को। पहला कारण, आपने हार्मोन्स की कमी हो सकती है, तो आप हार्मोन लेवल टेस्ट कराइए, हार्मोन्स की टेस्टिंग कराइए। डॉक्टर्स आपको देख के बताएंगे। आप अपनी एज चेक करिए कि क्या आप बिलो 30 हैं या अबव 30 हैं। अगर आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा है तो आपको हार्मोन्स की टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है। और आपको दूसरा, फॉलिकुलर स्टडी, यानी कि आपको ये देखना है कि आपके जो अंडे का साइज है वो ग्रेटर देन 18 mm तक आता है या नहीं आता। अगर वो 18 से कम रहता है तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत करता है कंसीव नहीं होने में। तीसरा आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके सर्विक्स का मुंह बंद है, बच्चेदानी का मुंह बंद है, तो कभी कभी सर्विक्स के ऊपर क्या होता है, कोई गांठ होती है या वो बहुत टाइम से अगर बंद है, उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन नहीं हुआ है, तो वो बंद ही रहता है। आप कितना ही रिलेशन बनाए लेकिन सीमन अंदर नहीं जाता और आप कंसीव नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप सर्विक्स आपका खुला है या नहीं ये भी चेक कराना जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वो एग सेल की लाइफ, जो एग सेल है उसकी लाइफ क्या है। जब आप यंग होते हैं तो 18, 20 साल, 22 साल, 24 साल की जो लेडीज होती हैं, उनमें एग सेल 24 घंटे तक, 20 घंटे तक भी जिंदा रहता है। यानी कि अगर उनका सुबह ओवुलेशन हुआ है तो वो शाम को भी अगर रिलेशन बनाते हैं तो भी वो कंसीव कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर इंडियन कल्चर में ये देखा गया है कि लोग रात को ही रिलेशन बनाते हैं, मॉर्निंग में रिलेशन बनाना या डे टाइम में रिलेशन बनाना अच्छा नहीं समझते। ये एक बहुत बड़ा कारण है कंसीव नहीं होने का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो एग सेल की जो लाइफ है वो 20 घंटे हो, सुबह ओवुलेशन हुआ है और रात को 10 बजे आपको वो एग सेल जिंदा मिले, नहीं। तो इसके लिए आपको वो प्रॉपर टाइम पता होना चाहिए कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है, सुबह हो रहा है, दोपहर को हो रहा है या शाम को हो रहा है। तो जिन कपल को ये दिक्कत आती है कि वो 4-6 महीने से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अपने एग सेल को नोट करना होगा, उसके हिसाब से चलना होगा कि अगर ओवुलेशन सुबह हुआ है तो उन्हें सुबह ही रिलेशन बनाना है। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल देखे हैं कि जो मॉर्निंग में 10 बजे फॉलिकुलर स्टडी करा के आते हैं, उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि एग सेल रप्चर हो चुकी है लेकिन वो रिलेशन रात को ही बनाते हैं। तो जरूरी नहीं कि 12 घंटे तक वो एग सेल की लाइफ रहे और आप रिलेशन बनाए और कंसीव हो जाए। कई बार वो लाइफ बहुत छोटी होती है, तो अगर आप डॉक्टर से फॉलिकुलर स्टडी करा के आए हैं, एग सेल रप्चर हो गया है, तो आप उसी समय घर आते ही रिलेशन बनाए। और मैं एक बेस्ट आइडिया देती हूँ कि आप मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 टाइम फॉलिक्यूलर स्टडी कराएं। अगर आपको लगता है कि मॉर्निंग में एग सेल रप्चर हो गई है तो आप मॉर्निंग में रिलेशन बनाएं, अगर आपको लगता है इवनिंग में एग सेल रप्चर हुई है तो आप इवनिंग में रिलेशन बनाएं। आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि एग सेल की जो लाइफ है वो सबके केस में 20 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे रहती है। आई होप कि मेरे कहने का जो मीनिंग है वो आप समझ पा रहे हैं और आप पुरानी बातों पर नहीं चलेंगे कि रात को ही रिलेशन बनाना है। पांचवा एक जो कारण है वो है टेम्परेचर।
टेम्परेचर 100% जब ओवुलेशन होता है तो वो एक डिग्री इंक्रीज हो जाता है, एक डिग्री फॉरेनहाइट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कौन से टेम्परेचर से? पीरियड के नेक्स्ट डे। जो पीरियड का नेक्स्ट डे है, अगर एक तारीख को पीरियड स्टार्ट हुए, चार तारीख तक है आपके पीरियड रहे हैं, तो पांच तारीख को जो आपने टेम्परेचर नोट किया है और ओवुलेशन डे के दिन, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो पूरा एक डिग्री होगा। अब बहुत सारे कपल कहते हैं कि हमारा एक डिग्री नहीं आता, 0.9 तक आके वापस डिक्रीज होने लग जाता है या 0.8 तक आके वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो उन्हें समझने की जरूरत है कि ऐसा उनके साथ क्यों होता है, क्योंकि अगर उन्होंने सुबह 6 बजे टेम्परेचर लिया, मॉर्निंग में 6 o'clock पे उन्होंने टेम्परेचर लिया और वो अभी 0.8 या 0.9 ही बढ़ा था, तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि नेक्स्ट डे पूरा एक बढ़ जाएगा, लेकिन उनका ओवुलेशन शाम को ही हो जाता है और 4-6 घंटे बाद वो खत्म हो जाता है, तो उस केस में नेक्स्ट डे उनको डिक्रीज टेम्परेचर मिलता है। तो आपने ऐसे केस में घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, नेक्स्ट मंथ फिर ट्राई करना है और क्या पता अगली दफा ओवुलेशन मॉर्निंग में हो जाए, उसके नेक्स्ट मंथ फिर ट्राई करना है, क्या पता उस टाइम ओवुलेशन जो है मॉर्निंग में हो और आपको पूरा 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिले, क्योंकि इससे ज्यादा सटीक और इससे ज्यादा करेक्ट मेथड कोई भी नहीं हो सकता। तो आप इसको ध्यान से समझिए, क्यों आपका टेम्परेचर पूरा 1 नहीं बढ़ता, क्योंकि वो शाम को ओवुलेशन हो जाता है और उस समय आप टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते, उस समय का जो टेम्परेचर नोट किया हुआ होता है वो गलत होता है, हमेशा मॉर्निंग में ही करना होता है। तो आप मेरी इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, डॉक्टर बीना सेठी SETHI। आप मेरे इस चैनल पर जाकर बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं, तो आप प्लीज इसको भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। तो